एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। कोरोना वायरस संकट के बीच पुलिस जहां लोगों को जागरूक कर रही है, घर में रहने की अपील कर रही है, तो वहीं बकरीद के मौके पर बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से अपील की है। उन्होंने क्या कहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। कोरोना संकट के बीच बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं हाजीपुर के वैशाली प्रखंड में नदी का जल स्तर बढ़ने से घरों में पानी घुस गया है, लेकिन प्रशासन और सरकार सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं कर रही है। कोरोना संकट के बीच बाढ़ से लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हाजीपुर के वैशाली प्रखंड के चकलादाद गांव, जो वाल्मीकि बैराज से छोड़े गए पानी के कारण नारायणी नदी के बढ़े जल स्तर से डूब गया है। अधिकांश घरों में जो नदी के तटीय इलाकों में बसे हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ऊंचे स्थलों पर आश्रय ले रखे है और प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे है, लेकिन प्रशासन व सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जी नमस्कार, एक तरफ कोरोना का संकट है तो दूसरी ओर बाढ़ की विभीषिका। इस वक्त मैं वैशाली प्रखंड अंतर्गत चकलादाद पंचायत के ललादपुर रिंग बांध के नज़दीक मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां कुछ घर हैं जो बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि लोग इसी बांध के सहारे, ये रिंग बांध है, आप देख सकते हैं रिंग बांध के नीचे से ही लोगों का आना जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं लोग जो है अपना घर जाने के लिए केले के जो पेड़ है उसको बनाकर जो है एक नाव का सहारा ले रखे हैं, अपने घर जा रहे हैं। उस घर के जो एक परिजन है, पीड़ित हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। बताइए चाचा, क्या परेशानी है, कब से ये सब हुआ है? परेशानी तो बहुत है कि घर में पानी झुक गया है। जी जी, माल मवेशी है सब बांध पर जा रहा है, खाने के लिए नहीं है। जी जी, आदमी उसमें पड़ा हुआ है। प्रशासन के लोगों ने आपको मदद किया? कुछ मदद नहीं किया यहाँ पर, कोई मदद नहीं, नहीं मदद मिला हमको। अच्छा, कब से ये सब है, पानी कब से यहाँ लगा है? कल से पानी हो गया है। कल से जी। कोई अब तक मदद करने कोई नहीं, मदद नहीं देखने अभी। आपके जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक आए हैं? हाँ, उनका कोई लोग मदद किया? कोई भी नहीं किया। जी जी, आप बताइए क्या परेशानी है? बहुत परेशानी, हम लोग मर रहे हैं, भूखा मर रहे हैं, जान किसी तरह बचा रहे हैं। जी जी, मवेशी का भी संकट है, मवेशी संकट है। जी जी, आप देख सकते हैं यहाँ मवेशी जो है चारे के बिना बड़ी परेशानी में है, और भी भाई लोग आप बताइए। सब परेशानी है, बहुत पुरका संचालय में है। जी जी, यहाँ वाल्मीकि बैराज से जो लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उस पानी के छोड़ने से यह बाढ़ की विभीषिका बन गई है। आप देख सकते हैं यहाँ बांध के कटाव का भी जो है संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ बांध की जो स्थिति है, यहाँ पेड़ पौधे के भी गिरने की संभावना है, किंतु प्रशासन अब तक सुध नहीं ले रही है। HBN के लिए उदेश कुमार, वैशाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज।
बिहार के शिवहर जिला के वर्तमान विधायक मोहम्मद सफरुद्दीन की ओर से पूरे शिवहर वासियों को रक्षाबंधन और बकरीद की शुभकामनाएं दी गई। वहीं उन्होंने शिवहर वासियों से अपील की कि भाईचारा बनाकर सभी त्यौहार को मिलजुल कर मनाएं। बिहार के शिवहर जिला के वर्तमान विधायक मोहम्मद सफरुद्दीन के तरफ से पूरे शिवहर वासियों को ईद उल जोहा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि पूरे शिवहर वासियों से ये अपील है कि रक्षाबंधन जो कि भाई बहन का त्यौहार है और ईद उल जोहा को प्यार और आपसी भाईचारा बनाते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। आज हमारा देश कोरोना महामारी से परेशान है। मैं इसके लिए पूरे देशवासियों को शिवहर के जनता से अपील करते हैं, इस महामारी से हम सब बचें, अपने आप को इस महामारी से बचाने का कोशिश करें और ईद उल अजहा और रक्षाबंधन ये दोनों हम लोग के त्यौहार में बहुत बड़ा त्यौहार है। भाई बहन का रिश्ता है रक्षाबंधन, एक दूसरा का सुरक्षा करते हैं। इसके लिए मैं जिला वासियों को बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ से इस त्यौहार में एक दूसरा से भाईचारा बनाते हुए हम लोग ईद उल अजहा और रक्षाबंधन को प्यार से दोनों त्यौहार को मनाएं। यही मेरा सब लोगों के साथ दुआ है और आशीर्वाद है।